बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो आपका री एग्ज़ाम 7 अगस्त 2024 से संभावित शुरू हो रहा है, इसको लेकर के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो न्यू बिहार पुलिस के लिए देख लीजिए यहाँ पर जो न्यू रिजल्ट गारंटी बैच का जो टेस्ट शुरू किया गया है, टेस्ट का यहाँ पर आप लोग दिनांक भी देख लीजिए, डेट भी देख लीजिए। टेस्ट नंबर वन ये न्यू टेस्ट है, इसके पहले 10 टेस्ट सर के द्वारा करवाया गया है, लेकिन फिर न्यू टेस्ट एग्जाम जैसे डेट आया तो सर ने न्यू टेस्ट जो शुरू किए हुए हैं, यह टेस्ट 27/5/2024 को हुआ और कल ही इसका डिस्कशन होने वाला था, लेकिन हमें फीवर हो गया जिसके वजह से मैं टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी डाला था कि डिस्कशन इस सेट का कल होगा, ठीक है। तो डेट भी आप लोग देख लीजिए, एकदम यह न्यू टेस्ट है, ठीक है, बिहार पुलिस के लिए टेस्ट नंबर वन। तो आज के इस टेस्ट में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो सर के द्वारा सिलेक्टेड प्रश्न तैयार किया गया है, हम लोग आज के इस सेट में देखेंगे सारे प्रश्नों का आंसर। उम्मीद करते हैं जो लोग हमसे रेगुलर जुड़े होंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते होंगे, तो इस सेट का भी प्रश्न आप सभी बना लिए होंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के इस सेट के सोल्यूशन को देखते हैं कि किस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रसनंदन सर के ऑफलाइन क्लास का जो बिहार पुलिस के लिए न्यू टेस्ट है, ये जो पैड बैच का टेस्ट है आप सभी भी जानते हैं, और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लास का टेस्ट है। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं टेस्ट को, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शुरू में ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मैं बीच में कभी भी नहीं बोलूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं और ओनली पढ़ाई पर फोकस करते हैं। चलिए तो देखते हैं आज के सेट के प्रश्नों को, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देख लीजिए, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। देखिए समय आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जुरैसिक युग को डायनासोर युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहला का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए दो नंबर, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का इटावा जो नगर है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि यमुना नदी। दो का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो लोग भी बता रहे हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। यहीं पर ध्यान रखिएगा, गंगा के किनारे कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, ये सब शहर जो है ना गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। राप्ती नदी के किनारे ध्यान रखिएगा गोरखपुर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही गोमती नदी को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा लखनऊ का नाम सुने हैं ना, लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का इटावा नगर पूछा गया है, सी आपके यमुना नदी दो नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से अगर आपसे पूछे आगरा या मथुरा किस नदी के तट पर है, तो ध्यान रखिएगा ये शहर भी यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के लिए, ध्यान रखिएगा। तीसरा का सही जवाब 0.15%, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तीन नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है फोर नंबर, परमाणु क्रांति किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा यह क्रांति भिंडी के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर पूछा जाएगा केसर के उत्पादन से संबंधित क्रांति, तो सेफ्रॉन क्रांति का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए उर्वरक उत्पादन से, तो ग्रे या एस्लेटी क्रांति आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बांस उत्पादन से अगर प्रश्न पूछ ले, तो हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है, बांस के उत्पादन से है। चार का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पाँच नंबर, क्यूपर वेल्ड के संबंध में सत्य कथन कौन है। सत्य कथन आप सभी को बताना है कि पांच का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यह बर्फ से निर्मित होता है, सही है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया मीथेन बर्फ पाया जाता है, सही है। इसकी खोज 1992 में हुई थी, यह भी कथन सही है। यानी कि ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही है, उपयुक्त डी आपके पांच नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए छः नंबर, कपास का जन्म
स्थान माना जाता है, मतलब कपास का जन्म किस देश को माना जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मिस्र के नाम आप सभी लोग सुने होंगे। ठीक है, मिस्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न को, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा यानी कि फैसलाबाद, फैसलाबाद को पाकिस्तान का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब। यहीं पर ध्यान रखिएगा पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछ ली, तो अहमदाबाद आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, सेमरी क्रम की चट्टाने पाई जाती है किस जिला, यानी कि बिहार के किस जिला में सेमरी क्रम की चट्टाने पाई जाती है। तो देखिए अगर सेमरी क्रम की चट्टानों का बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यानी कि 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोहतास आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर आपका, किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। इस सेशन के काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा कोसी ऑप्शन सी हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, डीकी बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा सर हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए में आपके 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न को, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव क्या कहलाता है। देखिए अगर मान लीजिए विधानसभा का चुनाव समझिए, अगर विधायक का डेट हो जाता है तो वो जो बचे हुए समय के लिए चुनाव होता है उसे कहा जाता है उपचुनाव। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि अगर संसद या राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप जो चुनाव होता है उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है, बी हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न को, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। देखिए मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिया गया है आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अगर धार्मिक, यहाँ धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त से प्रश्न पूछा है तो ध्यान रखिएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि अनुच्छेद 27, 25, 26, 28 यानी कि उपयुक्त सभी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर क्या है यानी कि डी में दिया गया है। और अनुच्छेद 27, 25, 26, 28 ये सब क्या है तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धार्मिक जो मामले में संरक्षण है 25 से लेकर के 28 तक अनुच्छेद आप सभी याद जरूर रखे होंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका यानी कि 13 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ पर प्रश्न आप लोग पढ़िए 13 नंबर, सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है, मतलब बढ़ाकर 8 लाख रुपया किया है, तो आपसे सन पूछ लिया जा रहा है कि किस सन में किया है, तो ध्यान रखिएगा सितंबर 2017 में किया गया है 6 लाख रुपये की राशि को बढ़ा करके 8 लाख रुपये, ऑप्शन ए में 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 49 है यह जो प्रावधान करता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी कि ऑप्शन बी आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका यानी कि 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है, मतलब कितना प्रतिशत वोट अगर आपको नहीं मिलेगा तो जमानत राशि आपका जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वैध जो मत होंगे यानी कि जितने भी वैध मत डाले गए होंगे उस वैध मत का अगर 1/6 नहीं आप ले पाते हैं मतलब वोट, ठीक है, तो आपका जमानत राशि क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में देखिए 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। देखिए अनुच्छेद से हमेशा आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाता है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब अनुच्छेद 304 हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है आपका, डेबर आयु का संबंध किससे है। तो डेबर आयु का संबंध अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से हो जाएगा डेबर आयु का संबंध, ठीक है। तो 17 नंबर प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है 18 नंबर, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। तो देखिए ग्राम सभा के शक्तियों और कार्यों का जो वर्णन का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 243 के क में है, ठीक है, 243 के क में दिया गया है। 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 243 के ख, ग, घ, ये सभी अनुच्छेद पंचायती राज से ही संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है, मतलब गलत कौन दिया गया है वही चयन करना है। तो देखिए गलत जो दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन क्या है, गलत दिया गया है, जे एम वर्मा समिति चुनाव कानून में संशोधन से नहीं। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसका जो संबंध आपराधिक कानून में संशोधन से है, न कि चुनाव कानून में संशोधन से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गलत कथन दिया गया है ऑप्शन बी, बाकी ए सी और डी वाला कथन क्या है सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न है, मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको वीडियो को स्टॉप करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या टेलीग्राम जो आपका जीएस मैग्नेट ऑफिशियल नाम से है वहाँ पर पीडीएफ दे दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम सॉल्व करवाने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का सही जवाब जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन बी 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए। अगर आप 21 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो 21 का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए वाला फिगर आ जाएगा। आगे देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब जो आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये सभी मैथ रीजनिंग के प्रश्न दिया गया है, प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है, ए वाला आकृति आ जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि दिए गए चार विकल्पों में विषम शब्द को चुने, विषम शब्द कौन सा है यही आपको चुनने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा 24 का सही जवाब जो है ना, यहाँ कहाँ वहाँ, यह प्रश्न पूछने का बोध करा रहा है, बाकी यानी कि पास जो हो जाएगा विषम हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी प्रश्न दिया गया है, भारत में साख निर्धारण के संबंध में कृषिल का स्थापना कब किया गया था, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, ध्यान रखिएगा। 25 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1987 में कृषि का स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न को, जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितना है, मतलब जीएसटी जो परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या राज्य और केंद्र दोनों मिलाकर के कितना है, इस बात को आपसे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन यानी कि 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं 33, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न को, राजकोष के घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था। तो देखिए इस अवधारणा को जो समिति प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा, यानी कि सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर ए में आपका 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। आगे प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई, ऑप्शन आपके सामने हम दिखा देते हैं। तो अगर स्वामित्व योजना के बारे में प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा 28 नंबर प्रश्न के लिए, यानी कि 2021 में स्वामित्व योजना प्रारंभ किया गया, ऑप्शन ए में 2021 दिया गया है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न को, ऑपरेशन फल्ड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो यह जो श्वेत क्रांति प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा 29 नंबर प्रश्न के लिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके यानी कि 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो। अगर आपसे सन पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 1970 में ऑपरेशन फल्ड यानी कि श्वेत क्रांति, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न को, लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा भी जा चुका है। तो अनुच्छेद 262 का क्लाउज 2 आप लोग ध्यान रखिएगा, बी में आपका 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था। तो जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग जो जिस देश में किया गया था, ध्यान रखिएगा, वह था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग, ठीक है।
आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न को, आजादी से लेकर अब तक भारतीय रुपया का कितना बार अवमूल्यन किया गया है। तो अब तक यानी कि आजादी से लेकर के अब तक जो कुल भारतीय रुपया का अवमूल्यन हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 3 बार हुआ है। कितना बार हुआ है? 3 बार आप लोग ध्यान रखिएगा। डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि पहली बार 1949 में हुआ था, दूसरी बार 1966 में हुआ था और तीसरी बार 1991 में हुआ था। 3 बार हुआ है, डेट आपको बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी में आपके 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। मैथ का प्रश्न है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब प्रैक्टिस नहीं करना होगा तो आपको मैं डिस्कर्शन दे दूंगा आपके PDF में अटैच करके, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आंसर यहां पर बता देते हैं आप सभी को, 33 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी 36 आ जाएगा, 34 का सही जवाब जब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो 12:2:48 आ जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करने लगूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 26010। ठीक है, आगे देख लीजिए, 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 25.6 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, 37 नंबर प्रश्न को सॉल्व करना है आपको, सभी मैथ वाले प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, 37 का सही जवाब 36 ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, 38 नंबर प्रश्न जो है रेलगाड़ी से संबंधित, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी आ जाएगा 18 सेकंड। ठीक है, आगे देखिए, 39 नंबर प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए ही दिया गया है, मैथ रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, क्योंकि 12 से 11 प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग मिला करके आ ही जाता है बिहार पुलिस में। ठीक है, तो 39 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा 3440 आ जाएगा। ठीक है, के का मान दसवीं में आप लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, यानी कि 40 का सही जवाब जो आ जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, सी आ जाएगा -9। ठीक है, आगे देखिए, 41 नंबर प्रश्न जो है, निम्न में कौन आवेग का उदाहरण नहीं है, मतलब आवेग का उदाहरण कौन नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना आवेग का भी मतलब आवेग का उदाहरण नहीं है। बाकी कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटे को पट्टी तोड़ना यह जो उदाहरण है, मतलब ए बी और डी में जो कथन दिया गया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब। यहीं पर ध्यान रखिएगा, ऊंचाई से कूदने पर चोट जो लगता है यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित है। ठीक है, न कि आवेग के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो सी आपके 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 42 नंबर प्रश्न है, यदि गैसों का अणुभार क्रमशः M1 M2 तथा उनमें ध्वनि का चाल V1 V2 हो तो सही संबंध, मतलब फॉर्मूला पूछा गया है, तो V1/V2 अंडर रूट हो जाएगा M1/M2 का, यानी कि बी वाला ऑप्शन 42 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का जो सर्वाधिक मान होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब पानी में होता है। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने प्रकाश का यानी कि वेग को ज्ञात किया था, तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम जो ज्ञात किया था यानी कि रोमर का नाम आप लोग सुने होंगे, ऑप्शन डी में दिया गया है 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए, विशिष्ट चालकता का SI इकाई क्या होती है, तो विशिष्ट जो चालकता है इसका यूनिट आपसे पूछा गया है, तो यूनिट हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, महो ओम यानी कि इन्वर्स, ध्यान रखिएगा ओम इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, ठीक है, सीमेन इन्वर्स, मतलब सभी क्या है विशिष्ट चालकता की इकाई है, ऑप्शन डी में 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यहाँ से एक प्रश्न आता है, आप लोग थ्योरी में भी जा करके चुंबकीय अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, 46 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए, 47 नंबर प्रश्न जो है, एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो एक्स किरणों का पता लगाने के लिए जो हम लोग प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 48 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो संघ था ना, यानी कि मैं बता दूं आप सभी को, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसी का पहले नाम क्या था, यानी कि 1885 में जब स्थापना हुआ तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, बाद में चल करके दादा भाई नौरोजी के कहने पर, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, बी होगा आपके 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है,
आगे देख लीजिए 49 नंबर प्रश्न को, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। इस दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे, ध्यान रखिएगा, सॉरी भारतीय नेता अमेरिका की जो यात्रा किए थे, तो वे थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो देखिए भूटान जो युद्ध हुआ था ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 1865 में हुआ था। भूटान युद्ध कब हुआ था? 1865 में। इस समय भारतीय वायसराय के कार्यकाल जो था ना, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड जॉन लॉरेंस का था। ऑप्शन ए होगा 50 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न को, बुज्रहोम एवं गुफकराल नामक स्थल किस काल के हैं? बताइए किस काल के हैं। तो देखिए यह जो काल के स्थल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, नव पाषाणिक कालीन, ठीक है, बी होगा 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 52 नंबर प्रश्न है, भद्रबहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा? तो भद्रबहु ने कल्प सूत्र को जो लिखने का काम किया है, संस्कृत भाषा में लिखा है, डी आपके 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 53 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए यहाँ पर, चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? तो देखिए इससे संबंधित समिति जो थी, ध्यान रखिएगा, पुनवारियम समिति, ठीक है, ऑप्शन सी आपके 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 54 नंबर प्रश्न है, गजनवी वंश का संस्थापक अल्पगिन प्रारंभ में था, मतलब क्या था प्रारंभ में, आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रारंभ में जो अल्पगिन था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पूछा जा सकता है, एक तुर्क का दास था। ठीक है, ऑप्शन ए आपके 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 55 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बहादुर यानी कि बाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो देखिए आप ऑप्शन अगर आप देख तो 55 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उज्जैन में है। ठीक है, बी आपके 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे प्रश्न 56 नंबर है, सुमेलित करें, एक तरफ बिहार के व्यक्तित्व दिया गया है, उनकी विशेषता, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 56 नंबर प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महोसत कुमार का संबंध था बौद्धकालीन वैद्य से, यानी कि एक का आपका हो जाएगा यानी कि बी। ठीक है, वही बात किया जाए 2 नंबर का वाचस्पति मिश्र का, तो ध्यान रखिएगा भाष्यकार थे, यानी कि 2 का मेल हो जाएगा ए से। ठीक है, विरोचन जो थे ना, ध्यान रखिएगा, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ठीक है, यानी कि 3 का संबंध सी से हो जाएगा, तो सी में आपके कूट नंबर सी आपका सही दिया गया है 56 नंबर प्रश्न के लिए। प्रश्न है 57 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 में आत्माराम पांडुरंग, लेकिन इसको मशहूर जो किए थे, ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, यानी कि ए आपके ऑप्शन के अनुसार 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर प्रश्न पूछ ले किसकी प्रेरणा से हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना, तो ध्यान रखिएगा एस एन सेन की। ठीक है, एस एन सेन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉरी केशव चंद्र सेन, ध्यान रखिएगा एस एन सेन नहीं, केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपसे, पूछा गया 58 नंबर, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा, तो ध्यान रखिएगा लिब्रे थी। ठीक है, लिब्रे ऑप्शन सी आपके 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 59 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का जो नाम था, ध्यान रखिएगा 59 नंबर प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ले बोनापार्ट था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न दिया गया है, ट्रांसलेशन जो दिया गया है, तुमने गलती की है, इसका ट्रांसलेशन जो बन जाएगा, ध्यान रखिएगा 60 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन सी। ठीक है, यू हैव मेड ए मिस्टेकेड, ठीक है, ऑप्शन सी आपके 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर, देख लीजिए, प्रश्न है ए रिपोर्ट डिस्कसेस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं यानी कि डिटेल, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, चेंज द वॉइस यानी कि वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, इट इज टाइम टू प्रेपर टी, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 62 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर, फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो कैलेट डैश डैश दिया गया है, तो यहाँ पर जो 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पीरियड्स हो जाएगा, पीरियड्स ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न को, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आपको खाली स्थान दिया गया है, पूछा है दे
डैश इंग्लिश फॉर टू हर्स, बताइए यहाँ पर क्या मतलब डैश के जगह पर कौन सा वर्ड आएगा। तो देखिए 64 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा, हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, हैव बीन स्टडिंग यानी कि निश्चित समय में मतलब कितना घंटा पढ़ाई कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा दो हर्स, ठीक है। आगे देखिए, आई विश आई एम ए मिनिस्टर, यानी कि डैश के जगह पर क्या भरा जाएगा बताइए आप लोग। तो 65 का सही जवाब वेयर हो जाएगा, क्या होगा वेयर, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न को, चूज द नाउन फॉर्म द वर्ड यानी कि प्रमोट, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब, देखिए नाउन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोम्प्टनेस हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 67 नंबर प्रश्न है, गुड लक मेंस डैश डैश, तो देखिए 67 नंबर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, से गुड बाय, ठीक है, ऑप्शन डी 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 68 नंबर प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे यानी कि सनवेस्ट में होता है, तो देखिए यह सिद्धांत जो है ना ध्यान रखिएगा 68 नंबर प्रश्न के लिए बी यानी कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, केमिस्ट्री से प्रश्न है। आगे देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है, यानी कि हाइड्रा अम्ल आपसे पूछा गया है, ऑप्शन आप लोग देखिए यहाँ पर, हाइड्रा जो अम्ल हो जाएगा ध्यान रखिएगा 69 नंबर प्रश्न के लिए तो HCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आमाशय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, निम्न में से कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क जैसे आपको बता दें बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बॉक्साइड ना दे करके अन्य अयस्क दिया गया है, तो 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा डायस्पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग 72 नंबर प्रश्न को, यानी कि ग्लोबर साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो रवा जल के जो अणु उपस्थित होते हैं ध्यान रखिएगा यानी कि 10 अणु, ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लौंड बनाने एवं रोग उद्योग में होता है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो 73 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा ए, ठीक है, यानी कि फेरस सल्फेट। आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न को, हेलोजन शब्द का अर्थ क्या है, हेलोजन शब्द का अर्थ जो है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यानी कि लौण उत्पादक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य, तो एल्काइन श्रेणी का प्रथम जो सदस्य हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्यूटाइन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस टेस्ट का 25 प्रश्न अभी बाकी है, गर्मी मेरे यहाँ इतना काफ़ी है कि लाइट भी नहीं है, क्लास लेने में बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैं प्रश्न का जो क्वेश्चन और डिस्कशन के साथ मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ डाल दिया हूँ, वहाँ से आगे के प्रश्न को आप लोग मिला लीजिए, ठीक है, आपका 70 यानी कि 5 प्रश्न के बाद और भी 25 प्रश्न जो है आपके इस सेट के यानी कि 100 प्रश्न कम्प्लीट हो जाएगा। सेट मिला करके मतलब अपना आंसर मिला करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस सेट में जो न्यू सेट ये जो शुरू हुआ है प्रैक्टिस सेट कितना स्कोर गया है, ठीक है। और देखिए जो आपको पीडीएफ मिलेगा आप लोग प्रिंट आउट करवा करके बार बार उसका रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। सेट से केवल आपके 40 से 45 प्रश्न आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, बस आपको प्रश्न याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं डेली ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी रोशन आनंद सर का जो बिहार पुलिस के लिए पैड बैच यानी कि ऑफलाइन क्लास का प्रैक्टिस सेट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को ना, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहीं पर आपको यानी कि क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो जरूर आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन का यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।